गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ 10th क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर टू को डिस्कस करेंगे जो कि 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बेटे आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, जो ये टू नंबर्स यहाँ पे गिवन है, इसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है आपका सम ऑफ जीरो एंड द सेकंड वन इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला था, लेकिन यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया गया, वहाँ पे पॉलीनोमियल आपको गिवन था, यहाँ पे आपको पॉलीनोमियल निकालना। ठीक है, बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका अपोजिट है ये, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम लेट करके चलते हैं कि जो हमारा सम ऑफ जीरो है या नंबर ऑफ जीरो है वो अल्फा एंड बीटा है। लेट द जीरोस आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इस तरह से आप लेके चलेंगे, कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होता है वो किस तरह की फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे सी हमारा कांस्टेंट टर्म होती है और एक्स स्क्वेयर एक्स हमारे कोफिशिएंट होते हैं, ए एंड बी उनके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल हमें गिवन होते हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो क्या है आपके पास, सम ऑफ जीरो मीन्स सम, यहाँ पे जो बी एक्स है ये क्या है, सम ऑफ जीरो ही होता है, क्योंकि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो इसी के पार्ट का फैक्टराइज करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, जो हमारा सी होता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, ये क्या होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो किसी भी पॉलीनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप लाइक एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो मैंने ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस फॉर्म में लिख दिया, और ऐसे ही होता है हमेशा से, जो ये हमारे बी होता है वो क्या होता है आपका अल्फा एंड बीटा का मीन सम ऑफ जीरो होता है, और जीरो क्या मानी हमने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको सम ऑफ जीरो कितना गिवन है, 1/4। इट मीन्स जो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपको शो करी है इसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन आपको 1/4, तो लिखेंगे 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस वन, मीन्स कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स माइनस वन, ये आपका पॉलीनोमियल आ गया। बट यहाँ पे क्या, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, आपको इसको पर्टिकुलर वे में लेके जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स लिखो या डायरेक्ट आप एक्स लिखो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 4 की 1 से करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे क्या गया 1/4 मैं कॉमन लेती हूँ, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो का, ये 4 जाके उस साइड क्या बन जाएगा, अगर एलसीएम लिया तो क्या है हमारे पास 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 1/4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 4x² माइनस एक्स माइनस 4। अब ये जो 4 है वहाँ जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा, इट मीन्स 4x² माइनस एक्स माइनस 4 आपकी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, यही आपसे पूछा गया था, इसी तरह से आपको करना है। अब इसके टू मेथड होते हैं, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, एक अल्टरनेट मेथड और बता देती हूँ आपको, जौन सा ईजी लगे आप उससे कर लीजिएगा। अल्टरनेट मेथड है जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो ए बी पार्ट सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल रहे थे उस फॉर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरो गिवन, आपको पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है,
तो इट मींस माइनस बी बाई ए आपको क्या गिवन है, 1/4। सेकेंड आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है, पहले सी बाय ए, ये गिवन आपको -1। अब -1 को मैं -1/1 लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर में अगर आपका कोई नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। इट मींस यहाँ पे आप वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक की वैल्यू क्या दिखा रही है, 1, जबकि यहाँ एक की वैल्यू क्या है, 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या करनी है, 4 करनी पड़ेगी। इट मींस जो सी बाई ए है, मैं इसको क्या कर दूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सेम नंबर के साथ कर रही हूँ। सेम नंबर से हम कर सकते हैं मैथ में, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, -4/4। अब देखो यहाँ पे अब वैल्यू सेम है, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपकी पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होती है, ऐसी ही होती है, ax² + bx + c। इट मीन्स इसको बनाने के लिए मुझे ए बी सी चाहिए, और यहाँ से ए बी सी हमारे पास आ चुके हैं। ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए, ए की क्या है वैल्यू आपके पास, 4। माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है 1, लेकिन ये है -b। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे इक्वल तो नहीं हो सकते ना। इट मीन्स मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि b का माइनस तो इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, b इज इक्वल टू -1, एंड c की वैल्यू कितनी है बेटे, -4, एंड c इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब जो भी आपकी ए बी सी की वैल्यू आई, इनके साथ आप x वेरिएबल पुट कर दीजिए, आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी। यहाँ से करेंगे क्या आ जाएगा, 4x² -1 है, मींस -1 की मल्टीप्लाई करोगे x से, तो क्या आ जाएगा, -x - 4। देखो ये जो मेथड है सेकंड वाला, ये है थोड़ा सा शॉर्ट ही है, बट वो और अच्छे से एक्सप्लेन होता है अगर आपका ज़्यादा मार्क्स में आता है, इजी भी है वो। ये भी इसमें थोड़ा सा लॉजिक बाय प्रैक्टिस, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है इस तरह के क्वेश्चंस पे, तो आप इजीली इस मेथड को कर लोगे। अदरवाइज स्टेप वाइज कीजिए, जो फर्स्ट मेथड मैंने डिस्कस किया है उसे कीजिएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरो, सेकेंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या दिया आपको, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम α+β की फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या है, √2। सेकेंड क्या आपका, प्रोडक्ट ऑफ ऑफ जीरोस मीन्स α×β क्या गिवन आपको, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किस तरह की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज किस फॉर्म में लिखेंगे, x² - α+β×x + α×β, इस तरह के फॉर्म में होता है हमेशा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x² - α+β कितना गिवन आपको, √2, साथ में x लगाएंगे, प्लस α×β आपको कितना गिवन है, 1/3, ठीक है। सबसे सिंपल स्टेप यहाँ तक होता है, अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है जो भी। अब देखो यहाँ पे 1/3 है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से एलसीएम लूँगी, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 3x², 3 की √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2x। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 × 3x² - 3√2x
प्लस वन। अब यहाँ पे या तो आप इक्वल टू जीरो कर रख के इसको उस तरफ ले जाओगे, जो थ्री है वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ ये। अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भले ही इसके कॉमन में वन बाई थ्री है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो भी इसकी जी नंबर ऑफ जीरो सेम रहेंगी, ठीक है। चाहे आप ये पूरा लिखें चाहे आप इतना लिखें, इनकी जो नंबर ऑफ जीरो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखिए, डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री टू है, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो क्या रहेंगी, टू ही रहेंगी। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप वन बाई थ्री इंटू इसको क्या कर दीजिए, इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, थ्री जीरो हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन। क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो किस फॉर्म में होती है, पी एक्स इजिकल टू जीरो फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट टू पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ये मेथड ईजी है। तो जो अदर्स पार्ट है, इसके जो थ्री पार्ट्स और रह गए हैं, अगर वो भी आपको समझ रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज मेथड आपको क्लियर है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।